जिंदा रहे मकसदे सरवर। अगर आपको इस तरीके से नोहा की या मनकबत की या नात शरीफ की कोई हेडिंग बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, थोड़ा खूबसूरत अंदाज में हेडिंग कैसे बनाएंगे, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा हुआ जिंदा रहे मकसदे सरवर। तो इसको मैंने दो अंदाज में, दो तरीके से मैंने बना रखा है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई टाइटल बनाना हो थंबनेल के लिए या किसी पोस्टर के डिज़ाइन के लिए, इस तरीके से कुछ आपको बनाना हो तो आप कितनी खूबसूरत अंदाज में बना सकते हैं। चलिए हम आपको ये दिखाते हैं, इसको हम बनाएंगे कैल्क में। तो चलिए हम कैल्क में चलते हैं। ये रहा हमारा कैल्क सॉफ्टवेयर। अब इसको मैंने ये लाइन थोड़ा सा बड़ा कर लिया, यहाँ पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी पर गए। अब यहाँ जाने के बाद यहाँ देखेंगे ये लिखा हुआ पहला ऑप्शन है ऑब्सोल्यूट फारसी और दूसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो पहला ऑप्शन मैं इसी में टाइप करता हूँ। इसके मुतालिक मैंने वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल रखा है, उसको आप देख लीजिए मेरे चैनल पर, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं इसको क्यों यूज़ करता हूँ, इसको क्यों नहीं यूज़ करता। तो मैं ऑब्सोल्यूट फारसी लेता हूँ और यहाँ से याद रहे ये कीबोर्ड हमारा इंग्लिश वाला होना चाहिए, याद रहे इंग्लिश वाला कीबोर्ड होना चाहिए। तो चलिए मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर। अब मैं टाइप करने चल रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया जिंदा रहे मकसदे सरवर। तो चलिए इसको मैं क्लोज करता हूँ, या क्लोज करने के पहले यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर लीजिए, ये तुलुत फॉन्ट ले लेता हूँ, इसको हम ओके करते हैं। ये हो गया आपका, और चाहे तो आप इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर लें, मतलब इसका साइज थोड़ा सा चेंज कर लें, यानी इसको 30 PT कर लेता हूँ मैं, 30 PT कर लिया और इसको थोड़ा सा अपने यहाँ लेके आता हूँ, पेज पर लेके आए, और ये वाला जो है इसको मैं थोड़ा सा यूं ऐसे कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और ये वाला स्टाइल चेंज करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके F2 प्रेस करता हूँ, ये वाला स्टाइल ले लिया, इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। और इसको जो है मैं क्या कर रहा हूँ, F2 प्रेस करके ये वाला स्टाइल ले लिया। अब इसको ये रही लिखा हुआ है, रही को रहे बनाने के लिए ये कशिश वाला टूल ले लेंगे, यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ गया ये, और इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ इसे, और इसको सारा सेलेक्ट करके इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ये आपका बनके तैयार हो गया। अब ये मकसद लिखा हुआ है, इसको यहाँ लेके आता हूँ। अगर यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं इसे कट कट का निशान आ रहा है, ब्लर का निशान आ रहा है, तो F5 इसे प्रेस कर देंगे तो हट जाएगा, और इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, और ये वाला यहाँ लेके आता हूँ, लेकिन इसको मैं कर देता हूँ कशिश में, ऐसे कशिश में कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, F2 प्रेस किया, ये वाला स्टाइल ले लिया। अब इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ लगा दिया, यहाँ लगाने से क्या हो गया कि ये हमारा स्पेस थोड़ा सा कवर हो गया, तो अब अच्छा लग रहा है। इसको यहाँ लेके आएंगे और F2 प्रेस करके इसका स्टाइल चेंज कर दिया, यहाँ भी इसका, इसको ला करके इसका स्टाइल चेंज कर देता हूँ, इसका भी स्टाइल चेंज कर दिया ऐसे, तो मुझे लगता है अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया, अब कुछ कमी नहीं है। अब एरा वगैरह लगाना हो तो आप यहाँ लगा लें, या ना लगाना हो तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको लेके आता हूँ, ये यहाँ इसे लगा देता हूँ, और इसको लेके आता हूँ यहाँ लगा देता हूँ, और ये जज़्म यहाँ ले लेता हूँ, और मेरे हिसाब से अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बाकी मैं कोरल में करूँगा। चलिए इसको मैं हटाता हूँ, एक लिख करके आपको दिखा दिया। अब मैं दूसरा लिखता हूँ, दूसरा क्या, यही सेम जो है, मैं दूसरा यहाँ लिख के देखता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टी पर गए, प्रॉपर्टी पर जाने के बाद यहाँ मैं फिर वही लिख रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ, यहाँ दीवानी खफ़ी करता हूँ, दीवानी खफ़ी फ़ॉन्ट हो गया। अब इसको 50 PT कर देता हूँ, यहाँ से 50 PT कर दिया, लेकिन यहाँ से गायब हो गया, अब कहाँ चला गया। अब इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ, जूम आउट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड करेंगे, जूम आउट हो रहा है ये यहाँ से उठा करके यहाँ लेके आएंगे, और इसको जूम करने के लिए हमारा कर्सर यही होना चाहिए, जहाँ पर कर्सर रहेगा वहीं जूम होगा, तो यहाँ पर कर्सर है और कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, तो ये वाला पोर्शन ये जूम हो रहा है, ये जूम हो गया। अब ये पहला जो ये रे लिखा हुआ है, हालांकि हमें जे लिखना है, यहाँ पे नुक्ता ही लगाना है, नुक्ता लगा के जे हो जाएगा। अब इसको हम रहने देते हैं, दूसरा वाला जो नून और दाल है, इसको मैं F2 प्रेस करके इसका स्टाइल ये सेकेंड नंबर वाला ले लेता हूँ, अब ये अच्छा लग रहा है। इसको यहाँ कर दिया, और इसको यहाँ कर दिया, और इसको यहाँ कर दिया, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, और फिर F2 प्रेस करके अब ये सेकंड नंबर वाला यहाँ भी ले लेता हूँ, ये वाला अच्छा है, और इसको यहाँ कर दिया। अगर आपको लगे कि ये जो है ये दो नुक्ते की अलामत है, अगर आपको अच्छा लग रहा है यही रहने दीजिए, नहीं तो आप इसको हटा दीजिए, यानी डिलीट कर दीजिए।
अब यहाँ से जो है दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा मतलब डबल नुक्ता यहाँ से इसे ले लेते हैं, ये हो गया। अब सीन को हम क्या करेंगे, इस पर हम F2 प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है, इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं, और यहाँ भी इसे चेंज कर लिया, ये वाला स्टाइल ले लिया, ये भी खूबसूरत लग रहा है, ये भी ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया ये। तो यहाँ से मैंने सिर्फ टाइपिंग कर लिया, अब जो भी करना होगा मैं कोरल में ले चल के करूँगा। तो कोरल में ले चलने के लिए अब हमें क्या करना है, कंट्रोल पी करना है। कंट्रोल पी करने के बाद प्रिंटर सेटअप पर चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे प्रिंटर जितना आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा सारा प्रिंटर यहाँ पर दिखाई देगा। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF ये वाला ले लिया मैंने, ये लेने के बाद ओके कर दिया, यहाँ पर भी प्रिंट कमांड ओके कर दिया। अब ये सेव करने के लिए पूछ रहा है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या लिख दूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं नोहा टाइटल लिख दिया, यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज़ करता हूँ, नेट पर गए, नेट पर जाने के बाद यहाँ मैं लिखता हूँ गूगल पर गए, लिखता हूँ PDF टेक्स्ट टू कर्व, PDF टेक्स्ट टू कर्व पे गए, यहाँ पर कर देते हैं ओके। ये पहला ऑप्शन हम इसे ओपन कर लेते हैं, यहाँ जाएंगे और यहाँ देखिए आप जो मैंने अभी फाइल सेव किया था कहाँ गया, नोहा टाइटल इसको हम ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। अब ये फाइल अपलोड हो गई, अब यहाँ लिखा हुआ टेक्स्ट टू आउटलाइन। ये और भी वीडियोस में मैंने बता रखा है कि अगर आपके पास एलस्ट्रेटर हो तो वहाँ पर किस तरीके से हम कर्व करते हैं, एलस्ट्रेटर होना चाहिए उसके लिए, लेकिन अगर आपके सिस्टम में एलस्ट्रेटर नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो अब हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन अभी यहाँ पर भी आ जाएगा, ये आ गया, अब इसको हमने डाउनलोड कर लिया, यहाँ गए और इसको हम इसे ड्रैग करके अपने कोरल में लेके आते हैं, यहाँ कोरल में लेके आ रहे हैं, यहाँ ये एक पेज यानी सिंगल पेज ओके कर दिए, ये देख लीजिए भाई साहब ये बनके तैयार हो गया। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ लेके आए, अब इसको हम और अच्छा सा सजाएंगे, कैसे सजाएंगे, कंट्रोल यू कर लेते हैं, कंट्रोल यू करने के बाद एक गाइड हम यहाँ से ऐसे ले लेते हैं और यहाँ नीचे भी ऐसे लगा लेते हैं गाइडलाइन, ये भाई गाइडलाइन लगा लिया। और अगर आप यहाँ देखेंगे ना, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों अलग अलग है, ये तो इसको दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से इसे जितना भी ये टूटा हुआ है कहीं कहीं पर इसको हम इसे वेल्ड कर लेंगे, इसे हर जगह आपको वेल्ड करना पड़ेगा। और एक नुक्ता यहाँ छूट गया था, यहाँ भी इसे कॉपी करके हम लगा देते हैं, इसको थोड़ा सा इस अंदाज में बना लेता हूँ, ये जो है अब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और एक थोड़ा सा स्पेस और मिल गया इसके, हम और इधर लेके आ सकते हैं, अब ये जो है ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ जो टूटा हुआ इसको भी मैं सही कर लेता हूँ, इसको यहाँ ऐसे करके दोनों को सेलेक्ट करके एक बार ऐसे कर लेंगे, वेल्ड हो गया ये, ऐसे सारा कर लीजिए आप। और ये जज़म थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जैसे सर्वर यहाँ पर इसे थोड़ा छोटा करके लगा देते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं इसे। और मेरे हिसाब से सब कुछ इसमें ओके है, सब कुछ सही हो गया। अब इसमें रह गया थोड़ा सा एराब लगाना है, एराब भी लगा देता हूँ। एराब कैसे लगाएंगे, जैसे इसमें मैंने ज़बर लगा रखा है, ज़बर कहाँ से लिया मैंने वो देख लीजिए। मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेता हूँ, टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ चलता हूँ, मेरे पास एक फ़ॉन्ट है आगा इस्लामिक फ्रेजेस, तो यहाँ पर मैं इसे टाइप करता हूँ तो कुछ फ्रेज लिखे हुए आते हैं, अरबी के कुछ फ्रेज़ हैं, जैसे कंट्रोल के कर दिया तो ये अलग अलग हो गया। जैसे ये है, ये वाला ले लेता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा, या ये वाला ले लेता हूँ, दोनों में से कोई भी ले लीजिए, इसको बड़ा कर लिया, कंट्रोल क्यू कर दिया और कंट्रोल के कर दिया। अब इसको जो है ना, जैसे ये स्वाद लिखा हुआ है, स्वाद की अलामत है ये, इसको मैं इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल एल कर देता हूँ तो ये स्वाद बन गया। इसको मैं अलग कर लेता हूँ, इसको भी अलग कर लेता हूँ, बाकी इसको मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और ये जो ज़बर हो गया हमारा, ज़बर को थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ, ये बड़ा हो गया, इसको यहाँ लगा दिया। और चाहें तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, शेप टूल लेकर के इसे बड़ा कर ले रहा हूँ, ये हो गया। और मीम के ऊपर भी ऐसे ही लगा देता हूँ मैं, यहाँ पर भी लगा देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और चाहे थोड़ा सा और करीब कर लें इसके, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसे, ये ऐसे। और ये यहाँ भी ऐसे लगा सकते हैं, और इसको भी छोटा करके चाहे इधर लगा दिए, चाहे डिलीट कर दिए, कोई इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी। और यहाँ भी ऐसे लगा देता हूँ। और अब चलता हूँ यहाँ ये वाला लेकर के, इसको कंट्रोल क्यू करता हूँ, फिर कंट्रोल के करता हूँ, और यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ लेके आता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लिया, बड़ा करने के बाद यहाँ लगा देता हूँ, और ये वाला ऐसे लगा दिया, और यहाँ पर भी ऐसे लगा दिया, ये वाला ऐसे लगा दिया, थोड़ा छोटा करके कुछ इस तरीके से,
और यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया और इसको सेलेक्ट करके यहाँ लगा दिया। ये अब ये जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनके ये तैयार हो गया। ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है ना ये। और अब जो है क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लेके आएंगे, ये जो दूसरा वाला लिखा हुआ था इसको हम बना लेते हैं, जैसे टूटा हुआ है इसको भी सही कर लेते हैं। इसे जिंदा रहे, इसमें कुछ करना नहीं है, एकदम साफ सुथरा लिखा हुआ है ये। ये वाला यहाँ पे लगा देते हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब इसको जो है थोड़ा सा चाहे छोटा कर लीजिए और इसको बड़ा कर लीजिए। ये अब इसके ऊपर हम इसे रख देते हैं, इसको ग्रुप कर लेते हैं, इसको भी हम ग्रुप कर लेते हैं। अब ये देख ली, अब इसको डिलीट कर देते हैं, ये जितना भी लिखा हुआ है इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब इसको देख लीजिए ये, अब ये कितना प्यारा लग रहा है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये भी देख लीजिए और ये भी देख लीजिए। उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी को देख करके आप अपनी खुद की हेडिंग आप जैसे मर्जी वैसे आप ऐसे बना सकते हैं। इसी तरीके से आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आपको मैं तरह तरह के टिप्स और ट्रिक्स मैं सिखाता रहूँगा। और मैं अब मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।